आप किस टाइप का क्वेश्चन है? एक ग्यारह, कम ऑन, एक लाइन मरा, कम ऑन, ग्यारह, कम ऑन. तूच माझ्या जीवनाचा शिल्पकार. माझ्या जी, अच्छा डू बिजली मराठी. हां, ए तूच माझी बिजली 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 बिजली. सबसे पहले तो मैं गोविंदा खुद बन के आया हूं, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब बहुत स्मार्ट लग रहे हो. ये बहुत टॉन के साथ क्यों लग रहा है मुझे कि बहुत स्मार्ट है? ये तुम्हारा गिल्ट बोल रहा है. मैं तो अच्छे से बोल रहा था कि तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो, तुम्हें ही कॉन्फिडेंस नहीं है. आपके ना ग्लेयर से दिख नहीं रहा है कि आप एक्चुअली क्या बोलना चाहते हो. एवरीबॉडी इज लुकिंग स्मार्ट. सिर्फ एक चीज मिसिंग है, वो हेडबैंड. वो हेडबैंड भी पहन के आते तो तुमने एकदम किल कर दिया. वो मैंने ट्राई किया ढूंढने का, बट एंड टाइम नहीं मिला. विकी, आई हैव टू टेल यू दिस, मतलब मैंने कभी इमेजिन नहीं किया कि आप ऐसे फिल्म करोगे. एंड जब इसका ट्रेलर आया था, मैं यूट्यूब पे देख रहा था घर पे रात को, एंड माय मॉम वाज लाइक, एक मिनट, क्या है विकी कौशल है? ट्रेलर देख के उनका ये रिएक्शन था. यार मैं एक्चुअली, दिस फिल्म केम टू मी आफ्टर सरदार उधम वाज डन, एंड आई थिंक दैट फिल्म हैड रियली निचोड़ोड all the intensity I had. और उसके बाद में I was really hungry to do something light-hearted, colorful, नाच गाना comedy, which I had not explored before this. मतलब ये film करनी है, आपका पहला reaction करनी है. हाँ यार, वो मजा भी आया करने में बहुत. कियारा, I being a Maharashtrian, you know, I can say कि you have killed it. मतलब आपका जो accent है, expressions है. Hi गौरी, कैसी है? मस्त. I can relate to it क्योंकि ऐसे मेरे बहुत सारे friends हैं. आप इससे मराठी में बात करो, मैं वही बोल रहा हूँ. जीवनाचा शिल्पकार. I'm done guys, मेरा हो गया. Say it again, I've forgotten the name. तूच माझ्या जीवनाचा शिल्पकार. तूच माझ्या जीवनाचा शिल्पकार. अब एक बार इनको मीनिंग भी बता दो. You are the sculptor of my life. Where have you read this? सब मराठी फिल्म में. विकी जब लास्ट टाइम स्टूडियो में आए थे, उन्होंने एक मराठी में गाना गाया था, बड़ा पछतावा की उन्होंने मराठी में गाया था. हो मला सोडून जेव्हा तू जाणार, पछतावोगे, खूप पछतावोगे. मराठी में. अच्छा डू बिजली मराठी. ए तूच माझी बिजली 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 बिजली, करंट मारते बिजली 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 बिजली. क्लिप काफी वायरल हुआ था. तुझ से माझी बिजली 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 दे, मैं कॉल यू फॉर दिस. गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आप इशक ज़ादे में यू प्लेड एन एक्टर बिसाइड्स अर्जुन, यू होस्टेड अ रियलिटी शो. मतलब ये फिल्म की बायोपिक है, ऐसा कुछ है कि मतलब कोरियोग्राफर एक्टर? अभी अ वैक्ड आउट बायोपिक. या आपने आपने बहुत इज्जत दी थी कि लोग मेरे बायोपिक में इंटरेस्टेड भी होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं. आई थिंक आई हैड अ फॉर्चुनेट लाइफ कि मेरे को इतनी सब एक्सपीरियंसेस करने का मौका मिला. मतलब इन अ वे बायोपिक ही है आपकी. मेरी बीवी मुझे मारने वाली है कि तेरी लाइफ में सबको कौन है. तीनों के लेके कमेंट मैंने सेलेक्ट किया, द बेस्ट कमेंट जो ट्रेलर पे आया. अलीवा दास ने बोला है कि फ्रॉम ये दुख काहे खत्म नहीं होता, टू हाउस द जोश, टू मैरिंग हिज ड्रीम गर्ल, to doing his first dharma rom-com, Vicky has come a long way. Very this well. Is not a trailer. That's wow. True. That's true. Thank you, Aliva. Lots of love to you. And thank you for loving the trailer. And yeah, thank you. Yara, aapke liye, Mustaqim Rehman ne bola hai, at this point, I will watch anything with Kiara in it. How sweet. How nice. I'm with you, Rehman. Thank you so much. That's very sweet. I hope I make you very happy in this one. Aapke liye kaafi interesting comment hai. पहले हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, फिर बद्री की दुल्हनिया, इस बार गोविंदा की दुल्हनिया, ऐसे क्यों नहीं नाम रखा आपने? मैंने क्यों नहीं रखा? क्योंकि जब आप पिक्चर देखेंगे आप समझ जाएंगे कि इसके पास इस फिल्म में दुल्हनिया भी है, बाहर वाली भी है, और फिर भी इसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद है. तो आई थिंक दिस कैन बी अ ग्रेट साइन ऑफ एंटी मैरिज. गोविंदा की दुल्हनिया की गर्लफ्रेंड, ऐसे कुछ नाम. यार तू मुझे पहले मिला नहीं ना, किसके किन्होंने बोला ये? मैंने लिखा है. I'm just kidding. इनका नाम है शेख 67. शेख 67, आप मुझे पहले मिले नहीं तो हम ये टाइटल कंसिडर करते, पर अभी के लिए हम गोविंदा नाम मेरा ही बुलाएंगे. इस ट्रेलर के एंड में एक डायलॉग है जहाँ पे भूमि बोलती है कि तेरे गर्लफ्रेंड के सामने मैं तेरी इज्जत जमा दूंगी. रियल लाइफ में आप तीनों के लिए
पार्टनर के साथ या फ्रेंड के साथ, अभी के साथ ऑकवर्ड सिचुएशन से कभी हुआ है? सर कई बार ऐसा होता है जब हम रियल लोकेशन में शूट कर रहे होते हो, 200-250 लोग सामने होते हैं और आपसे सबसे एक बेसिक स्टूपिड मिस्टेक हो जाती है परफॉर्मेंस में, और फिर आपको लगता है कि अरे ये कम से कम ये 200 लोग तो आपकी पिक्चर नहीं देखेंगे, इनको पता लग गया कि आप कितने पानी में हो, तो वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाता है, फिर बड़ा प्रेशर होता है कि नहीं यार अच्छा परफॉर्म करो। आई थिंक आप विजुलाइज कर रहे हो ना जो एक्चुअल हुआ था, वो बात कर रहे हो। हाँ हाँ सर, एक बहुत फनी किस्सा ऐसा हुआ था कि मैं एक लाइव लोकेशन पर शूट कर रहा था और एक आदमी आया और उसने मुझसे बात करना चालू किया, सर आई एम अ बिग फैन और ऐसा। तो मैं भी, मैंने हालांकि तब एक ही फिल्म बनाई थी और बद्री की शूटिंग चल रही थी, तो मैं भी बोला अच्छा तो आप मुझे जानते हैं, अच्छा वेरी नाइस। उसने फोटोग्राफ खिंचवाया, फिर मुझे बोलता है कि अर्जुन एंड आलिया वर अमेजिंग इन योर फिल्म। क्या बात। तो मैंने बोला अर्जुन एंड आलिया साथ तो मैंने कोई फिल्म नहीं, तो मुझे समझा फिर कि वो मुझे टू स्टेट्स का डायरेक्टर समझ रहा है और वो मुझसे बात कर रहा है। तो फिर मैंने उसका लेकिन भ्रम तोड़ा नहीं, मैंने कॉम्प्लीमेंट्स ले लिए, मैं बोला थैंक यू बॉस, मुंबई का एक टच है, दरोहा मुंबई टच। तो ऐसे कोई स्लैंग्स जो आप यूज करते हो लाइफ में, जैसे इज्जत जमा दूंगी एक डायलॉग हो गया, ऐसे कुछ मुंबई स्लैंग्स? एक मैंने बॉम्बे में, सिर्फ मुंबई में देखा, यहाँ बारिश होती नहीं है, बारिश गिरती है। बारिश गिर रही है। और कुछ कुछ होता है ना, जैसे बहुत अच्छा कुछ लगा तो सॉलिड है, बॉस सॉलिड है, या दैट्स समथिंग वी ऑल यूज दैट सॉलिड एंड स्पेशली व्हेन द पैप्स कम। अरे एक नंबर भाई, एक नंबर क्या पिक्चर है। कियारा मैडम राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, उसके बाद ये रिएक्शन, एक नंबर। एक नया जॉनर हमें मिला, लाइक मसाला थ्रिलर रोम कॉम, दिस इज द न्यू जॉनर, मतलब सब जॉनर डाल दिया चचन सर ने यहां पे। इज दैट द रीजन यू सेड यस टू द फिल्म वी बोथ? Yes, of course. One of the reasons is that it's like a complete package and it's like a blast of flavors that, you know, everything is there. So, yes, of course, that is one of the reasons. Kiara? 100%. I feel like in one film, to have so much quirk and, you know, so much masala, yeah. It was very new. You're right, it's a very unique film. Like, it doesn't fit into a particular genre. It's got a little bit of everything and it's like a whacked out universe. Yeah. And everybody's characters also... completely crazy. Yeah. It's very well etched out. So I think that's characters. Why, yeah, I think just to, it's so exciting to play like a character on screen, to get into that zone. Yeah. Hi, I'm Vicky Kaushal. Hi, I'm Kiara Advani. Hi, I'm Shashank Khaitan. And you're watching us on Mirchi Plus.